नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में 24 घंटे के भीतर 24,354 नए मामले आए सामने, 234 मरीजों की हुई मौत। महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा सूत्र बना रहेगा। राहुल गांधी ने दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, लिखा विजय के लिए एक सत्याग्रही ही काफी। एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर 41 लाख ठगे, पुणे की महिला डॉक्टर बनी ठगी का शिकार। जोनल कार्यालय में हंगामा, अवैध अतिक्रमण हटाने आई टीम से उलझे दुकानदार। पुलिस के हत्या चढ़ा दनिश, फायरिंग मामले में 1.5 वर्ष से था वंचित। प्लॉट बिक्री के नाम पर फ्रॉड, 8 लाख की हुई धोखाधड़ी, वाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। बाइक चोर गिरफ्तार, 6 बाइक 3 साइकिल समेत 2,96,000 का माल जब्त, शांतिनगर पुलिस की कार्यवाही। नाबालिग बच्चे से देह व्यापार की कोशिश, 40,000 में किया था कौरमया सौदा, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने की कार्यवाही। देवदा फाउंडेशन की ओर से महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर निकाली गई साइकिल रैली, नितिन गडकरी ने दिखाई हरी झंडी। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।